हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने पीसी में वर्डप्रेस को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसके बाद यहां पर आके हमें सर्च कर लेना है wordpress.org। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहां पर wordpress.org सर्च करेंगे, हमारे सामने एक लिंक ओपन होकर आ जाएगी। तो दोस्तों, हमें इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे सामने गेट वर्डप्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। हमें इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से हमें वर्डप्रेस 6.2.2 का वर्जन डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों देखें, हमने वर्डप्रेस तो डाउनलोड कर लिया, मगर इसको रन करने के लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसकी PHP को रन करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं। या तो हम डोमेन खरीद कर उसमें अपनी वेबसाइट को अपलोड कर दें और इससे इसकी PHP रन हो जाएगी, या तो दूसरा तरीका ये है कि हम अपने PC के अंदर ही एक लोकल सर्वर बना लें। तो दोस्तों बिल्कुल अभी हम लोग ऐसा ही करेंगे, अपने PC के अंदर एक लोकल सर्वर बनाएंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र दोबारा से ओपन कर लेना है और यहाँ पर आके सर्च करना है वैम सर्वर। तो दोस्तों, यहाँ से आपको वैम सर्वर को डाउनलोड कर लेना है इस लिंक के ऊपर क्लिक करके। दोस्तों हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे सामने वर्डप्रेस का पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा वेब सर्वर डाउनलोड हो जाएगा।